हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। हम वापस से निकल पड़े रोड पे घूमने के लिए। आज हमारे साथ योगेश और दादा है, योगेश प्रीमियम डीलर। आज इसका बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे योगेश। अभी इसका बर्थडे भी सेलिब्रेशन होगा, और इनका बर्थडे नहीं होता क्योंकि ये डाउनलोड हुए हैं। तो हुआ डाउनलोड, ये देखो तो उससे फोटोकॉपी निकलती है। iOS से वो डाउनलोड करा देखो तो। ये iOS से नहीं हुई, ये जो लोकल रहता था ना माइक्रोमैक्स का एंड्रॉइड फोन, उससे डाउनलोड हुए हुए हैं। क्या 16 से डाउनलोड हुआ बेटा। और ये क्लोन से बनाया गया, बकरी का क्लोन था, उससे इनको बनाया गया है। तो इनके आगे भी ऐसी हो गई क्या अपने आपको समझ। एक तरफ की दाढ़ी हटा दूंगा, ये मेरी एक तरफ की दाढ़ी हटाने में लगे, इनको और कुछ नहीं मिलता, मेरी दाढ़ी के पीछे पड़ते क्योंकि इनकी दाढ़ी आती नहीं, मीठे मीठे लगते हैं। देश अच्छी आती बेटा। कहाँ जो मेरी दाढ़ी देखो, तुम्हारी दाढ़ी काट दी। कहाँ है तुम्हारी दाढ़ी? अभी आ जाएगी 4 दिन में, देख लेना। 4 दिन तक तो मेरी दाढ़ी रहेगी ना, 4 दिन तक तो मेरी रहेगी ना, 4 दिन बाद आएगी बात अलग है। 4 दिन तक अपनी दाढ़ी रहेगी तो अपन 4 दिन के लिए दाढ़ी बताएंगे सबको। तो भाई ये है, 4 दिन में उड़ा नहीं दे अपनी दाढ़ी। अवेयर का तो रखेंगे हम, क्यों कैसा लगा तुम्हारे को इंडिया हार गई तो? रख देना तिजोरी में पानी निकाल। नहीं, इंडिया हार गई तो कैसा लगा? हाँ, इंडिया हार गई तो यार बहुत दुख हुआ यार। फिर रोए रोए बहुत रोए अंदर जाके, बहुत रोए हम। कितने रोए? कितने कितने रोए? कितने सारे, कितने सारे। ये भी बहुत टप भर दिया था उनने, रो रो के अकेले भी टप भर दिया था रो रो के। भाई साहब इतने रोए, इनको इंडिया के हारने का बहुत दुख हुआ। दिन में पूरे मैच देखे और एक मैच इंडिया हार गए, उसमें इनको दुख हो गया। सारे मैच तो जीती ना यार, कितनी अच्छी बात है। सारे हारती तो बात अलग थी। क्यों क्या? ठीक है ना, अगली बार आ जाएंगे। अगली बार वर्ल्ड कप खेलेंगे 2028 में। 2028 में ये नदी बह रही है, योगेश का खेला। इसमें आके तीरता था ये क्या? इसलिए इसको पता है बहुत तेरा इस नदी में आके। नहीं ये बढ़िया नदी। तो अभी कहाँ जा रहे अपन? चॉकलेट इधर थोड़ी मिलती है। कहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ पे सांची का वो है, क्या कहते हैं उसको, वहाँ नहीं मिलती चॉकलेट। इनको कुछ नहीं, बच्चों जैसे चॉकलेट खाना रहता है, चॉकलेट चॉकलेट खाते थे। अभी हम चॉकलेट लेने के लिए जा रहे हैं, ये चॉकलेट खाएं। कितना देखा मैच तूने? थोड़ा सा। इंडिया ने देखा मैच तो, 5 करोड़ लोगों ने देखा। हाँ तो ये विशाखा है और ये बताएगी अपनी खूबसूरती का राज। क्यों आप भी ब्लॉग बनाना चालू कर दिया क्या आपने भी? ये लो, अब आप आपका गंदा समूह दिखाओ। तो तुम्हें सारा मारी क्या? किससे सारा मारी? किससे सारा मारी? क्यों कैमरा खा जाएगा क्या तुम्हें? मेरा कैमरा 80,000 का है तो सस्ता है तुम्हारा। तो क्या हो 65,000 का? हमारा महंगा कैमरा है तो हमारा भी महंगा कैमरा नहीं, हमारा कैमरा में तो सकल भी महंगी हो जाएगी। दिखा दो जरा। हाँ तो तुम्हें क्या मतलब, क्या चाहिए चाहिए क्या? अरे तुम तो ये बताओ कि इंडिया हार क्यों गई? 1.5 करोड़ रुपए बोलो चाहिए तो आलिया भट्ट। 1.5 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। पहले मोबाइल नीचे करो, क्यों रहे हो? ये विशाखा आ गई फुर्सती। अच्छा लग रहा नहीं? आज आज तो मैं काला लग रहा है, वो बात अलग है, पर अच्छा लग रहा है कि लग रहा है। तो दिवाली पे नए कपड़े लेगी क्या तू? मान के लेगी खरीद? तू बैठी थी सोनाली मैडम के साथ, तू भी बैठने लग गई। वाह यार, दो का धंधा चल रहा है। ये दोनों बैठती थी गल पे पैसे मांगने के लिए, तो इन्हें कपड़े मिल जाएंगे। अपने बारे में कुछ बताए है। आज रजत वापस मुंबई जा रहा है तो हम उससे आ जाते हैं रेलवे स्टेशन छोड़ने में। आपको रेलवे स्टेशन के कुछ नज़ारे बताता हूँ और उसको हम ट्रेन में बिठा देते हैं और वापस जाएंगे और ब्लॉग को ख़त्म कर देंगे। पर मैं कहना चाहूँगा कि रजत मतलब मुंबई जा रहा है वापस एक्टर बनने के लिए, पर अगली बार तक
भगवान चाहेंगे तो वो हीरो बन के ही आएगा उधर से, तो सभी उसके लिए कमेंट करें कि हाँ वो हीरो बन के आए। मैं आपको बताता हूँ आगे आगे क्या होता है, आप वैसे देख ही लेंगे पूरे ब्लॉग्स में कि अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी इसका स्ट्रगल चल रहा है, बहुत अच्छे से मेहनत चल रही है, पूरी मेहनत अच्छे से सफल हो और वो हीरो बन के आए, हम तो यही चाहते हैं। और आप लोग सपोर्ट करें तो हम यूट्यूब से ही उसको हीरो बना देंगे। बाकी आप थोड़ा अच्छा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को शेयर करें। अभी मैं पहुँच गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। अभी मैं बताता हूँ कहाँ पर ट्रेन लगेगी और रजत कहाँ पे, मैं ढूंढता हूँ उसको। अभी मुझे पता नहीं वैसे वो कहाँ पे है, अभी देखते हैं कहाँ पे होगा, इधर ही होगा। हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पहुँच चुके हैं, वो सबसे उधर खड़ा है ट्रेन के इंतज़ार के लिए, फिर ट्रेन आएगी और बैठ के चला जाएगा। हाँ तो कैसा लग रहा है तुम्हें मुंबई जाते हुए, कैसा लग रहा रजत बताओ? बढ़िया लग रहा है, मजाक कर रही हो? बढ़िया नहीं लग रही है, झूठ बोल रहा है, पर जा रही है भाई।